हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं करने जा रही हूँ एक मेकअप लुक विथ मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट्स, एंड ये एक एवरीडे मेकअप लुक भी आप कह सकते हो। सो मैंने ये लुक क्रिएट किया है। सो अगर आपको देखना है कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, आप वीडियो को टिल एंड तक देखिए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी स्किन प्रेप कर ली है, सो मैं अभी प्राइम करूंगी, और प्राइमिंग के लिए मैं ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हैं तो ये एलोवेरा जेल काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको अच्छा प्राइमर लेना पड़ेगा, पर फिलहाल मैं एलोवेरा जेल से ही काम चला रही हूँ। मैं इसे लगा के 2 मिनट रखूंगी ताकि ये सारा सोक कर जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। सो मैं अप्लाई करने वाली हूँ एक शुगर का एक फाउंडेशन स्टिक। मैं अपने अंडर आई के लिए लगाऊंगी, जो कि मेरे मुझ से एक शेड लाइटर है। सो मैं इसे ऐसा कंसीलर अपने अंडर आई पे लगाऊंगी, अपने फिंगर टिप से इसे लगाऊंगी, उसके बाद ब्रश से ब्लेंड करूंगी। बस हैंड ड्राई पे ही लगा के छोड़ दूंगी, और अब इस ब्रश से मैं इसे ब्लेंड करूंगी अच्छे से। उसके बाद जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो मैं अपने सारे फेस पे लगा लूंगी। ये फाउंडेशन बहुत जल्दी क्रीज कर जाता है, तो हमें ब्लेंडिंग के बाद बहुत जल्दी से इसे सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये फाइन लाइन्स पे क्रीज हो जाएगा। तो मैंने फाउंडेशन कंसीलर लगा लिया है, अभी मैं इसे सेट करूंगी, और सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर। सो मैं इस ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, और इससे मैं अपने अंडर आई को सेट करूंगी। एक्सेस प्रोडक्ट में अपनी सारी फेस पे लगा लूंगी। ओके, सो पाउडरिंग का काम हो गया, अभी मैं तो फेस मेकअप हो गया कंप्लीट। अभी मैं करने जा रही हूँ अपने आईब्रोज। सो अपनी आईब्रोज को मैं बस उतना डेंस नहीं बनाऊंगी, अपने सिर्फ एक अपने गैप्स पे फिल करूंगी, ताकि इससे एक नेचुरल सा लुक आए। ओके, सो आईब्रोज हो गया कंप्लीट। अब मैं अपने आईज को थोड़ा डेफिनेशन दूंगी, और इसके लिए मैं लूंगी एक स्किन टोन का ही एक आई शेडो, ये वाला स्किन टोन का एक आई शेडो लूंगी, और उसे बस अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी, ताकि एक शेड सा दिखे, एक डेफिनेशन मिल जाए मेरी स्किन को, एक डेप्थ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं। ओके, सो मैंने आई शेडो क्रिएट कर लिया, अभी मैं एक छोटा सा विंग लाइनर करूंगी, और विंग लाइनर के लिए मैं ले रही हूँ एक जेल लाइनर, जो कि है म्यूजिक फ्लावर से, म्यूजिक फ्लावर का ये जेल लाइनर। ये ब्लैक में है, तो मैं ये एज अ आई लाइनर लगाऊंगी। हो गया कंप्लीट, आप देख सकते हैं। सो लाइनर के बाद मैं लगाने जा रही हूँ
लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक है बेला वोस्टा का लिपस्टिक इनिशिएट 07 इनफ्लेम्ड लिपस्टिक। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, मैं तो समय ये लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ। सो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए और उस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।